तो भाई लोग महीनों के इंतजार के बाद अपने डेडपूल और वुल्वरीन का फाइनल ट्रेलर निकलकर सामने आ चुका है। और अगर इस ट्रेलर को तुमने ध्यान से देखा होगा तो तुम्हें कंफर्म हो जाना चाहिए कि हमें इस मूवी में अपने डॉक्टर साहब का कैमियो देखने को मिलने वाला है। वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि कैसे। तो चलो पहले स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपना वुल्वरीन एक बार में बैठा हुआ होता है और बारटेंडर से एक और ड्रिंक मांगता है। तभी वहां पे अपना नॉटी डेडपूल आता है वुल्वरीन को एक मिशन के लिए रिक्रूट करने। और जब अपना वुल्वरीन उससे लड़ने के लिए अपने क्लॉज बाहर निकालता है तो वो निकलते ही नहीं है, जिस पे अपना डेडपूल एक जोक भी मारता है। उसके बाद हम डेडपूल और वुल्वरीन को वॉइड वाले सीन में देखते हैं, जहां पर वुल्वरीन अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट में होता है। और फिर डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि भाई देख मेरी मदद कर, मेरे को अपना यूनिवर्स बचाना है और तू एक असली एक्समैन है, असली हीरो है। जहाँ पे वुल्वरीन उससे कहता है कि मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ, जिसकी तुझे तलाश है वो कोई और है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि डेडपूल के खुद के यूनिवर्स पर भी कोई बहुत बड़ा खतरा है, या फिर शायद उसे टीवी वालों ने धमकी दी है कि अगर वो वुल्वरीन को अपने साथ नहीं लेके आ पाया तो टीवी वाले उसके भी यूनिवर्स को पूरी तरह से प्रूव कर देंगे। और उसके बाद इस वाले सीन में हमें वुल्वरीन का बिना स्लीव्स वाला लुक देखने को मिलता है, जो कि एकदम चुम्मेश्वरी था और फैन फेवरेट भी। मतलब भाई स्टार्टिंग में मुझे डर था कि ये लोग पूरी मूवी में उसे स्लीव्स के साथ ही ना रखें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वुल्वरीन का ये वाला लुक देखकर सच में दिल गार्डन गार्डन हो गया अपना। तो उसके बाद एक सीन आता है जिसमें हमारे मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल को बताते हैं कि इस वाले वुल्वरीन ने अपने यूनिवर्स को नहीं बचा पाया और इसका पूरा का पूरा यूनिवर्स तबाह हो गया इसकी वजह से, और ये उसमें जिंदा बच गया अकेला। तो मे बी वुल्वरीन ने कुछ ऐसा किया होगा जिस वजह से सारे एक्समैन मारे गए और पूरा का पूरा यूनिवर्स तबाह हो गया, जिसमें वुल्वरीन की फुल टू फुल गलती होगी, जिस वजह से टीवीए ने उसके पूरे के पूरे यूनिवर्स को प्रूव कर दिया और वुल्वरीन को वॉइड में फेंक दिया। और ये वाला सीन देखकर ऐसा भी लगता है कि शायद टीवीए में वुल्वरीन मरा हुआ पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ बेहोश है। और इसके बाद की शॉट में एंट्री होती है हमारी एमा कॉरिन यानी टकली अम्मा, एके कैसेंड्रा नोवा की, जो कि एक जाइंट एंटमैन की खोपड़ी फाड़ कर बाहर निकलती है, यानी कि उसने अपना घर बना रखा है उसके अंदर। वैसे अगर तुम इस औरत को नहीं जानते तो ये चार्ल्स एक्सेवियर की बहन, जिसे मिस्टर एक्सेवियर इसके गलत इरादों को देखते हुए पेट में ही मार देते हैं अपनी मम्मी के, लेकिन ये अपनी पावर्स का यूज करके एक नया शरीर लेती है और बाहर आ जाती है। और उसके बाद ये जो एल लगाती है चार्ल्स एक्सेवियर की जिंदगी के, वो देखने लायक थे कॉमिक्स में। और इस मूवी में भी हम ये देखेंगे कि कैसे हमारी मैडम ने ओलायत को अपने काबू में किया। हाँ, वही ओलायत जिसकी मदद से कैंग ने पूरे के पूरे टीवी को रचा था और कैंग्स की वॉर को रोका था। इसके अलावा हमारी टकली अम्मा के पास टेलीकिनेसिस की पावर भी है, जिसकी मदद से वो वुल्वरीन का हिला पा रही है, मेरा मतलब वुल्वरीन का हाथ हिला पा रही है इधर उधर। इसके अलावा चलो अब एंटमैन की बात कर लेते हैं। तो इस ट्रेलर में हमने एंटमैन के जाइंट वाले रूप को देखा है, और ऐसा नहीं है कि उसकी सिर्फ खोपड़ी खोपड़ी है, वहाँ पर उसका पूरा का पूरा शरीर है, पूरा स्केलेटन, जिसके अंदर हमारी टकली अम्मा कैसेंड्रा रह रही है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अपने वुल्वरीन और डेडपूल एंटमैन की एक आंख में से बाहर कूदते हुए डॉक्टर साहब के पोर्टल में एंटर करते हैं। इन सोचने वाली बात यह है कि ये डॉक्टर साहब कौन से वाले हैं, या फिर ये पोर्टल खोला तो खोला किसने, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब तो ना ही वुल्वरीन को जानते हैं और ना ही डेडपूल को, क्योंकि वो दोनों ही अलग अलग यूनिवर्सेस से हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि हमें किसी और यूनिवर्स का कोई नया डॉक्टर स्ट्रेंज इसमें देखने को मिले, या फिर अब तक हमारे डॉक्टर साहब इतने ज्यादा घूम चुके हैं मल्टीवर्स में कि उन्हें सब पता है क्लिया दीदी की मेहरबानी से। लेकिन ये तो कंफर्म है कि हमें डॉक्टर बंगाली यानी कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज का कैमियो इस मूवी में देखने को मिलेगा थोड़ा सा। बस मार्वल वालों ऐसा मत कर देना कि डॉक्टर साहब की जगह वो पोर्टल वोंग ने खोला हो, क्योंकि तुम लोगों को बहुत खुज लिया वोंग को हर जगह घुसाने की। खैर, इस ट्रेलर के बारे में तुम क्या सोचते हो ये बात मुझे कमेंट्स में बताओ, और देखते रहो बंटी सेज यूट्यूब चैनल। बाकी गाइस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और 2K सब्सक्राइबर करा दो जल्दी से, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो प्लीज। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, गुड बाय।